हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे प्यारे से से चैनल बेंच पढ़ाई में मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट आसान चैप्टर है इसमें आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता होगा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बार हेडिंग्स वगैरह याद कर लोगे थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लोगे तो आप अपने आप से भी बना बना के लिख सकते हो ठीक है तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये मार्केटिंग क्या होता है तो आप मुझे बोलोगे मार्केटिंग करना यानी कि कोई चीज को बेचने की कोशिश करना बट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है वाइडर टर्म है और बेचना यानी कि सेलिंग जो है वो तो मार्केटिंग का सिर्फ एक पार्ट है ठीक है यानी कि मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, रेदर देन सेलिंग है ना अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ मार्केटिंग में आती हैं वो हम बात करेंगे ठीक है सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई कि मार्केटिंग वगैरह क्या होता है उसके बाद हम इसके बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे ओके अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या लिखा है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग नाउ व्हाट इज दैट अब मार्केटिंग क्या होती है मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है और उसके अंदर बहुत सारी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आती है और सेलिंग तो बस एक एक एक्टिविटी का पार्ट है मार्केटिंग का मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है यानी कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है है ना अच्छा अब मार्केट बिफोर मेकिंग द सेल बहुत सारी मतलब सेलिंग से पहले एक प्रोडक्ट या सर्विस की बेचने से बे, बेचने से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है तो जैसे प्रोडक्ट का प्लान करना कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे क्या सर्विस बनाएंगे उसका डिजाइन कैसा होगा उसका प्राइस कैसा होगा और वो हमें कहाँ कहाँ पे बेचना है कहाँ कहाँ पे हमें स्टॉक भिजवाना

जो हैं जरूरत ज़रूरतें जो हैं उन सब उनको जो जो चाहिए उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग है, है ना क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मान लो किसी ने भी अः अपना कोई प्रोडक्ट बनाया अपनी कोई सर्विस बनाई तो भाई अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगा तो लोगों को ऑफर कर रहे हैं ना कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया अगर आपको अच्छा लगे आपको लगे कि हाँ ये मेरी जरूरत को मेरी नीड एंड को कंप्लीट कर सकते हो तो आप इसे खरीद लो इस तरीके से कस्टमर वैल्यू अब ये जो है कस्टमर के वैल्यूज को यानी कि कस्टमर को किसी चीज की जरूरत होती है वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसकी जो उसने जो पैसे दिए बदले में उसके वसूल हो जाते हैं ओके एक्सचेंज मैकेनिज्म जैसे कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट बनाती, बनाती है या फिर सर्विस बनाती है या फिर सर्विस ट्राई करती है प्रोवाइड uh, करने की तो वो प्रोडक्ट बेच के या फिर वो सर्विस सरेंडर करके कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो ये कुछ फीचर्स थे मार्केटिंग के अब क्या क्या फंक्शन है मार्केटिंग के ये देखो सबसे पहले है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट सोच लिया कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगी और मुझे लग रहा है कि लोगों को लोगों की जो डिमांड है या फिर लोगों की जो वॉन्ट एंड नीड्स है वो फु, फुलफिल हो पाएंगी इस प्रोडक्ट की वजह से ठीक है तो सबसे पहले मैं फैक्ट्स गैदर करूंगी उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी मार्केट इंफॉर्मेशन जानूंगी कि इसकी डिमांड है या नहीं अगर मैं वो प्रोडक्ट बनाऊँ तो उसकी क्या स्ट्रेंथ होंगी क्या वीकनेस होंगी क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी क्या थ्रेट होंगे एनालिसिस so करूंगी facts facts करूंगी फैक्ट्स फैक्ट्स जानूंगी को को इन्वेस्टिगेट कि लोगों लोगों ऐसी किसी चीज की की जरूरत है या नहीं नीड्स को समझूंगी ठीक है उसके बाद बाद समझने के बाद, मैं कुछ मोटिव लेके आऊंगी कि क्या क्या फायदे हैं इस प्रोडक्ट के मैं ब्रांड नेम पिकअप करूंगी उसकी पैकेजिंग कैसी होगी मीडिया को यूज करूंगी प्रमोशन के लिए और साथ के साथ डाटा जो है वो ऐसे ही अवेलेबल जो डाटा मैं इकट्ठा करूंगी वो प्राइमरी सोर्स से भी इकट्ठा कर सकती

प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगी उसको डेवलप करूंगी कि उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी लाइक पैकेजिंग कैसी होगी और उसके लेबल कैसे लगे होंगे कहाँ पे लगाऊंगी कौन से कलर का लगाऊंगी ठीक है जैसे ब्रुकबॉर्न टी है उसका रेड में भी फ्लेवर आता है येलो में भी फ्लेवर आता है तो लेबल के हिसाब से पता चल जाता है ठीक है और उससे क्या होगा अगर मैं अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूंगी डिजाइनिंग करूंगी तो उतनी ही ज्यादा जो लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगला है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है अगर मैं लाइक uh, like, कोई भी प्रोडक्ट के साथ डील कर रही हूँ उसके ऊपर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का थप्पा लग जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स अगर मैं बेच रही हूँ या फिर मैंने बनाया है तो अगर उसके ऊपर आई आई मार्क होगा तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये सही प्रोडक्ट है इस तरीके से ग्रेडिंग क्या होता है मैं पक्का नहीं पता कि मैं एक ही प्रोडक्ट बनाऊंगी क्या पता उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाऊं मैं आगे जाके तो उन सबको डिवाइड कर देना कि ये इस इन सारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं इन सारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं या फिर उनको टेस्ट के हिसाब से क्लासिफाई कर दू या फिर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से उसको क्लासीफाई कर दू ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे तो ये होती है ग्रेडिंग मतलब क्लासीफाई करना पैकेजिंग और लेबलिंग पैकेजिंग मतलब एक पैकेट बना देना रैपर बना देना एक प्रोडक्ट का है ना और पैकेजिंग किस लिए होती है ताकि जो प्रोडक्ट है वो डैमेज से बच सके स्पॉयल ना हो टूटे ना लीक ना हो इस तरीके से और लेबलिंग मतलब कि लेबल लगा देना ताकि लोगों को हर चीज के बारे में पता चल जाए ब्रांडिंग क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा या फिर जैसा भी आपको सही लगे वैसा नाम दे ताकि लोग जान जाए कि अच्छा वो जो नाम है वो किस चीज से जैसे मैं प्रिया गोल्ड बोलू तो आप क्या सोचोगे कि हाँ बिस्किट है इस तरीके से तो ब्रांडिंग जो है वो हमें पता करवाता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज लाइक किस चीज को डिपेक्ट कर रहा है इस तरीके से ओके अच्छा अब हमें पढ़ना है कंसेप्ट एंड फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग पांच फिलोसफीज या फिलोसफी क्या होते हैं कुछ टाइप के थॉट्स है ना आप सबसे पहले क्या होता था जैसे अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी लगी हुई है लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी से भी पहले बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं मार्केटिंग या फिर बेचने के लिए अब वो कौन कौन से थे सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना यानी कि जब फैक्ट्रीज वगैरह आ रही थी तब प्रोडक्शन कंसेप्ट था आप टेंथ में पढ़ के आयु कि फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ पे आई थी सबसे पहले इंग्लैंड में है ना तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट चला था जिसके अंदर क्या होता था प्रोड्यूसर्स यानी कि बनाने वाले बहुत लिमिटेड थे अब बनाने वाले लिमिटेड थे सामान भी कम बनेगा तो उसकी सप्लाई भी कम होगी और सप्लाई कम होगी तो डिमांड जो है वो मैच नहीं कर पाती थी डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी तो एनी वन वो जो भी अगर कोई और भी नए इंसान आते वो अपने गुड्स को बेचना चाहते तो आराम से बिक जाते थे उसके बाद देखो उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट अब टाइम के साथ, साथ साथ सप्लाई जो है इंप्रूव होने लग गई बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स है वो मार्केट में आने लग गए कस्टमर्स ने उन सारे प्रोडक्ट को देखना चालू कर दिया जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जिसकी अच्छी क्वालिटी है जिसके अच्छे फीचर्स हैं उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन कंसेप्ट आया फिर आया सेलिंग कंसेप्ट इसमें क्या हुआ है जैसे कि हमें बहुत ज्यादा बेचने का मन है कि हम ज्यादा ज्यादा बेचेंगे हमारा ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐसा दौर आने लग गया उससे क्या होगा हमने क्या किया प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि जितनी ज्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा जो है वो ज्यादा चीज बिकेंगी ठीक है इससे क्या होगा कंपटीशन बढ़ गया सेलर्स में कि मैं ज्यादा बनाऊंगा मैं ज्यादा बनाऊंगा मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा तो कॉम्पिटिशन हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आपकी फर्म नहीं चल सकती मार्केट में अब जो है फर्म्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने लग गई थी सेम क्वाल, आ, क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के जिससे कि लोगों के अंदर थोड़ा चॉइस समझ नहीं आ रहा था कि ये खरीदे वो खरीदे इस तरीके से फिर आया था मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट जो मैं आपको कह रही थी या फिर जिस फिलोसफी uh, के ऊपर ये चैप्टर आधारित है उसमें क्या होता है यहाँ पर जो है एक फर्म या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टमर की नीड्स को जानती है सबसे पहले कि एक कस्टमर को चाहिए क्या उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक फर्म जो है प्रोडक्ट बनाती है या फिर सर्विसेज बनाती है ठीक है यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर यही है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बहुत ज्यादा प्राइमरी गोल या फिर ऑब्जेक्टिव समझती है और तब जाके एक प्रोडक्ट बनाती है है ना एंड द लास्ट फिलोसफी इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इसमें क्या होता है कस्टमर को सैटिस्फाई किया जाता है सोशल वेलफेयर की हेल्प से अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं तो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से रखे और तब उसकी मार्केटिंग करे तो लोगों का दिल जीत लेते हैं तो ये कुछ पांच फिलोसफीज थी अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में है ना मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसकी वजह से हमें मार्केटिंग के डिसीजन लेने पड़ते हैं है ना मार्केटिंग आपको समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ी टर्म है और एक प्रोडक्ट को बेचने से पहले हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं अब मार्केटिंग मिक्स में भी वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग के डिसीजन में असर पड़ता है ये दो फैक्टर्स होते हैं नॉन कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना? अगर हाँ एक बिजनेस को जीतना है सक्सेसफुल होना है तो उसे कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है नॉन कंट्रोलेबल को नहीं इन कंट्रोलेबल फंक्शंस uh, को ध्यान में रखना पड़ेगा साथ के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा है ना मार्केटिंग टूल्स बनाने के लिए जो मार्केटिंग के मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को यूज करते हैं मार्केटिंग करवाने के लिए ठीक है अब ये uh, और इन्हीं कंट्रोलेबल फंक्शंस को जो मार्केटिंग करवाने में हेल्प करते हैं या फिर इन्हीं मार्केटिंग टूल्स को जो कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स ठीक है अब मार्केटिंग मिक्स में क्या चार चीजें आती हैं एक तो हम वैसे प्रोडक्ट या फिर वैसी सर्विस बनाए जिससे जिससे लोगों की जो सेटिस्फैक्शन है वो अचीव हो जाए उनको वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस बढ़िया से प्राइस पे मिल जाए कहीं भी खरीदने जाए तो उसको वो प्रोडक्ट मिल जाए और अबाउट विच कम्युनिकेशन ऑफर्ड और हमें कहीं से पता चल जाए कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग में आ रही है तो जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई है ना ये मिक्स के ही कॉम्पोनेंट्स है जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग मिक्स में कुछ कंट्रोलेबल uh, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केटिंग के डिसीजन पर असर पड़ता है अब ये मार्केटिंग मिक्स इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करती है या फिर इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं तो कुल मिला जो हमें मेन पढ़ना है वो है कि मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स हैं और वो चार एलिमेंट्स किसने क्लासीफाई किए थे एम सी ने और वो चार एलिमेंट्स कौन से हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्लेस को ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो और प्रमोशन और इन चारों को हम फोर पीस ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं तो इसमें आपको जो मैंने इतनी बड़ी सी गाथा गाई है इसमें आपको ये देखना है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है मार्केटिंग मिक्स जो है वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं या फिर कुछ मार्केटिंग के टूल्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाते हैं और उसको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं और ये चार एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट प्राइस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन इनको हम फोर पीज ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं अब हमें बस क्या करना है इन चार पीज को एक बार अच्छे से पढ़ के उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या होगा जितनी भी प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें हैं वो सारे के सारी प्रोडक्ट के अंदर आएंगी सारे फीचर्स प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं जैसे कि की ब्रांडिंग कैसे 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 होगी 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 उसका पैकेजिंग उसकी लेबलिंग कैसे उसके बाद आते हैं हम प्राइस मिक्स पे यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसा होगा है ना उसके अंदर सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वो सब इंक्लूड होनी चाहिए तो कितना प्राइस रखना चाहिए वो आएगा प्रमोशन मिक्स में क्या होता है कि कस्टमर तक भनक लग जाए फिर उनको इन्फॉर्मेशन लग जाए कि अच्छा ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है और इसको हम खरीद लेते हैं अब प्रमोशन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है जैसे पर्सनल सेलिंग करके एडवर्टाइज करके पब्लिसिटी करके और सेल्स प्रमोशन करके फिर आता है प्लेस मिक्स यानी कि हम जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह के कभी होल के थ्रू कभी रिसलर के थ्रू कभी घर घर जाके कभी कंज्यूमर से माउथ पब्लिसिटी करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता के कभी स्टोरेज करवा के ट्रांसपोर्टेशन करवा के वेयर वहाउसेज में रख के इस तरीके से ठीक है तो इतना समझ में आ गया एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स अब हमें जो स्टार्ट करना है वो है प्रोडक्ट मिक्स से हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स में सारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स आते हैं और इसके भी तीन एलिमेंट है ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने ब्रांडिंग से नाउ ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या होता है इसको तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं अब जैसे मैं बोलूँ डेरी मिल्क तो आपके दिमाग में क्या है डेरी मिल्क के साथ चॉकलेट है ना तो ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दे रहे हो या फिर एक नाम दे रहे हो जिससे लोगों को पहचान हो जाए कि ये जो नाम है वो किस प्रोडक्ट का है इस तरीके से सो so, ब्रांड जो है वो एक नेम होता है एक साइन लगा लो एक डिजाइन लगा लो या फिर कुछ होगा कॉम्बिनेशन लगा लो जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है और कॉम्पिटिटिव से वो थोड़ा अलग हो जाए अब आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम रखना है तो आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है एक तो थोड़ा छोटा हो आराम से प्रोनाउंस हो जैसे रिन, विम, स्मे, आ, अच्छे से स्पेल हो और उसे याद रखा जाए ठीक है तो इस तरीके से और उसके ऐसा कोई नाम हो जो कि नाम में ही प्रोडक्ट की क्वालिटीज बता दे जैसे जेंटील बूस्ट आ, नाम से समझ आ रहा है कि ये कोई डिटर्जेंट के नाम है डिस्टिंगटिव थोड़ा सा अलग रखो लाइक थोड़ा सा हटके सफारी थोड़ा अलग ही है इस तरीके से और आ, आ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आराम से पैकेज हो जाए उस पर लेबल जो है अच्छे से लग जाए है ना नए ने, नए ने, नेचर के हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर ले और अच्छे से रजिस्टर हो पाए लीगली भी प्रोटेक्ट हो जाए और स्टेइंग पार हो उसकी ठीक है और कोई मतलब अच्छे से टिका रहे काफी टाइम तक इस तरीके से तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हमें नहीं पढ़ने हैं अब हम आते हैं पैकेजिंग पे पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट पे एक रैपर लगा रहे हैं है ना ताकि हम उसको थोड़ा सा बचा ले डैमेज होने से स्पॉइल होने से और अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बिकता है इसलिए पैकेजिंग को हम साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं अब पैकेजिंग के कुछ लेवल्स होते हैं जैसे आपने देखा है प्राइमरी पैकेज में तो सिर्फ एक एक ही रैपर होता है जैसे टॉफी का रैपर लगा लो या माचिस का लगा लो सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होता है इसमें थोड़ी और लेयर्स आ जाती हैं जिसे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है जैसे कोलगेट जो है पहले तो एक ट्यूब में तो आती है लेकिन साथ में उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड भी होता है एक होती है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जैसे माल गाड़ी में घुसता है तो उसके बाद उसके उप, उससे पहले उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े गत्ते के कंटेनर्स चढ़ा दिए जाते हैं तो होता है एक टाइप की ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है ना अब पैकेजिंग के फंक्शन क्या है एक तो उससे हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है डैमेज होने से इंसेक्ट से ब्रेकेज से और कन्वीनियंस होता है आराम से इसको उठा लिया जाता है लोड कर दिया जाता है है ना विड्रॉ कर लिया जाता है प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो जाता है इस तरीके से पैकेजिंग की हेल्प से है ना उसके बाद आते हैं हम अपने प्रोडक्ट मिक्स के लास्ट पे जो कि है लेबलिंग लेबलिंग मतलब क्या होता है कि आपके जो पैकेज है आपका जो रैपर है उसके ऊपर आप कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा लो जिसकी वजह से पहचान में आ जाए है ना लेबल जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी आते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है और उसके मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है एक्सपायरी कब की है मैन्युफैक्चरिंग कब की है जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्या यूज है क्या वेट है लेबल के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मैंने आपको बता दी है ना जैसे कि आइडेंटिफाई ऑफ प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं जैसे कैडबरी चॉकलेट है तो हम उसके लेबल से ही पहचान जाते हैं जैसे उसको पर्पल कलर कलर है तो उसके लेबल से ही हम पहचान जाते हैं कि ये जो है कैडबरी है इस तरीके से अब यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चर जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट पे लगा देता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो उसके लेबल पे उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है प्रोडक्ट की ग्रेडिंग अच्छे से हो यानी कि जैसे देखो अगर कोई चाय पत्ती है ब्रुक बॉन्डी देख लो यहाँ पर उसके अलग अलग फ्लेवर्स है रेड है येलो है ग्रीन है तो उसके लेबल भी उसी हिसाब से बदल दो ताकि लोगों को पता चल जाए ग्रेड कर दो क्लासीफाई कर दो उसके बाद पैकेजिंग की वजह से प्रमोशन होता है प्रोडक्ट्स का अपने आप ही है ना और लॉ के हिसाब से एक इंसान को ऐसे

वो अभी बन रही है मुझे लागत लगी है इसको बनाने में दस रुपए ठीक है एक एग्जाम्पल लगा लो दस रुपये मुझे इसकी लागत लगी है बनाने में तो मैं इसको जरूरी थोड़े ना मैं इसको दस रुपए में ही थोड़े ना बेचूंगी मैं इसलिए मार्केट में थोड़े ना मुझे तो थो थोड़ा प्रॉफिट कमाना है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो मैं जो हूँ इसके दस रुपए तो रखूंगी ही रखूंगी प्लस मुझे थोड़े प्रॉफिट के भी रखने हैं ठीक है प्रॉफिट के मैंने पांच रुपए रख लिए है तो मैं इसको दस रुपए की बना के पंद्रह रुपए की बेच रही हूं ताकि मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए और मैं उस पैसे को कहीं आगे और यूजफुल चीजों में यूज कर सकू और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकू तो ये होता है प्राइस मिक्स कि आप अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रख रहे हो है ना अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक प्रोडक्ट का प्राइस तय कर सकते हैं जैसे सबसे पहले तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़े से हमें प्राइस चेंज करने पड़ते हैं जैसे ₹10 की तो लागत ही है और थोड़े से ऐड कर दो ₹5 हमने ऐड कर दिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए है ना और अब क्या है अगर हमें मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फैलना है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है तो कभी कभी हमें सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा प्राइस लो करके जैसे दस रुपए की बन रही है पहले में पंद्रह रुपए में बेच रही थी अब मैं तेरह रुपए में बेच रही हूँ क्यों ताकि मेरा जो बिजनेस है वो ज्यादा बढ़ जाए है ना उसके बाद क्या होता है कभी कभी फर्म जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट में मान लो इसी पेंसिल का कोई और कॉम्पिटिटर आ गया तो तब मुझे उससे कम्पीट करने के लिए पहले पंद्रह प्राइस से फिर तेरह पे आई मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अब मुझे क्या पता बारह भी रखना पड़े ताकि मुझे उससे कम्पीट करना पड़े ठीक है उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट की कॉस्ट की जैसे ये जो दस रुपए की बनी थी इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट है बनाने की बिजली के बिल की पानी के बिल की है ना और उसके बाद मैंने इसको लेबर uh, भी लगाई है मैंने इसको भिजवाया भी है मैंने इसको एडवर्टाइजिंग uh, भी करवाई है तो दस रुपये जो है इन सारी कॉस्ट को मिला के ही इसकी लागत दस रुपये मिली है तो उसको निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा यूटिलिटी एंड डिमांड अब इस प्रोडक्ट की डिमांड है यूटिलिटी है उस हिसाब से अगर भर भर के डिमांड है तो फिर मैं उसी हिसाब से इसका प्राइस रखूंगी अगर कम डिमांड है तो फिर उसी हिसाब से प्राइस इन्फ्लुएंस होगा है ना अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ डिमांड और एक इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जैसे अगर कम प्राइस है तो लोग भर भर के लेंगे खरीदेंगे ठीक है और अगर इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसमें क्या होगा अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आए तो डिमांड जो है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगी जैसे मान लो पहले पंद्रह रुपए की थी मैंने सोचा था चल थोड़े से बढ़ा देती हूँ सोलह रुपए कर देती हूँ तो उसकी डिमांड जब ही गिर गई क्योंकि जितना ज्यादा तो प्राइस होगा डिमांड उतनी कम होगी लेकिन अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है यानी कि चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए यानी कि प्राइस कितना ही बढ़ जाए लोगों को वो चाहिए ही चाहिए अब जैसे दवाइयाँ दवाइया एक नेसेसिटी है तो लोगों को कितना ही प्राइस हो जाए लोगों को खरीदनी पड़ेगी खुद की वेलबींग के लिए है ना तो अगर डिमांड इन तो फॉर्म तब तो हाई प्राइस चार्ज कर सकती है लेकिन अगर ऐसा इनलास्टिक नहीं है तो हमें बहुत ध्यान से सोच समझ के प्राइस जो है वो रखना पड़ता है कॉम्पिटिशन भी देखना पड़ता है मार्केट में अगर मान लो इसी पेंसिल के और भी बहुत सारे ब्रांड्स इसी पेंसिल को बेच रहे हैं तो पहले मुझे उन ब्रांड्स का प्राइस देखना पड़ेगा कि वो कितने बेच रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं क्या इस प्रोडक्ट के लिए अगर उस पर कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के रूल्स हैं इस प्रोडक्ट को लेके तो फिर मुझे उसके हिसाब से प्राइस रखना पड़ेगा अब नेक्स्ट देखो हमें पढ़ना है प्लेस मिक्स या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स मैं अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाऊँ इस तरीके से मैं कोशिश करूँ कि अगर आसपास के भी किसी आ, लोकल शॉप से आप खरीदने जाओ तब भी वो प्रोडक्ट मिल जाए इस टाइप से मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रोडक्ट का ठीक है तो उसके लिए कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें होती है सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग एक तो क्या होता है आजकल जैसे बहुत जल्दी जल्दी सामान आने लाइक जो है वो मिनट्स की डिलीवरी देता है और भी बहुत सारे फटाफट से डिलीवरी करवाते हैं आपके घर की और भी होम होम प्रोडक्ट्स रिलेटेड की है ना तो वो एक्यूरेटली एंड स्पीडी ऑर्डर होता है एक तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है एक प्लेस से दूसरी जगह तक आपका जो है वो सामान पहुंच जाता, पहुं जाता है प्रोडक्ट पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन का एक कागजाम्पल आप दे सकते हो जैसे मैं इग्नू से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो उसमें मैंने स्टडी मटेरियल को ऑर्डर किया हुआ है लेकिन वो आता है साकेत से तो मैं इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है साकेत से लेके आए अपने प्रोडक्ट तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मेरे घर तक पहुंच जाता है कुछ टाइम पे ठीक है तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी आपके प्रोडक्ट को मंगाने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके रख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टाइम आ जाए जब बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो गई है माल जो है वो फटाफट से चाहिए लोगों को तो हम क्या है उस स्टॉक में से निकाल के सप्लाई करा देते हैं वेयर हाउस जगह जगह पर वेयर हाउसेस बने हुए हैं गोदाम बने हुए हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है वो स्टोर रहते हैं कंपनीज के ठीक है तो तभी आसपास गोदाम होने का फायदा यही होता है कि वहां से आप अपना स्टॉक निकाल के दुकानदारों को दुकानदारों को मैन्युफेक्चरर को होलसेलर्स को भिजवा दो इस तरीके से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या क्या आता है इसमें बहुत सारे फॉर्मस आ सकते हैं इंडिविजुअल आ सकते हैं पीपल आ सकते हैं इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं मर्चेंट आ सकते हैं फंक्शनरीज आ, आ, सकती हैं जो कि एक 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 जने से लेकर दूसरे जने तक प्रोडक्ट को भिजवाते हैं जैसे क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट चैनल होता है डायरेक्ट चैनल में क्या होता है जो मैन्युफैक्चर होता है जो फैक्ट्री वाला होता है जो प्रोडक्ट uh, बनाता है वो सीधा का सीधा कस्टमर तक भिजवा देते हैं मेल ऑर्डर की हेल्प से इंटरनेट की हेल्प से और डोर टू डोर सेलिंग की वजह से एक होता है इनडायरेक्ट चैनल इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है जैसे पहले

थर्ड होता है मैन्युफैक्चरर जो है एजेंट के पास फिर होलसेलर के पास फिर रिटेलर के पास फिर कस्टमर के पास ये उनके लिए होता है जो जो नए नए आए हैं मार्केट में जिनको नहीं पता कि होलसेलर को कैसे अप्रोच करना है तो बीच में एजेंट आ जाता है तो ये कुछ इनडायरेक्ट वे होते हैं जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को हर जगह घुमा देते हैं ओके okay? अब आएंगे हम अपने प्रमोशन मिक्स पर जो कि लास्ट है अब जैसे हमने प्रो, प्रोडक्ट बना लिया है ना सारे काम कर लिए तो भाई लोगों को बताना भी तो है कि हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है आपके लिए है ना तो उसमें आप कैसे बताओगे लोगों को सबसे पहले तो एड्स करवा के आपने देखे होंगे रोड्स पे आप चलते हो कितने बड़े बड़े पैनल के एड्स लगे रहते हैं पोस्टर छपे रहते हैं न्यूज में मैगजीन में टीवी में रेडियो में फोन में हर जगह एड ही एड है अब एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत सारे रोल है एक तो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पैसे लगते हैं कोई फेस टू फेस कनेक्शन नहीं होता ठीक है ऐड वगैरह में कि जिसने ऐड करवाया है उसका फेस हो या फिर जो कंपनी के मालिक है उसका फेस हो या फिर जिसने ऐड किया है उसका फेस हो ओके दूसरे स्पोंसर्स होते हैं क्या होता है कभी-कभी कंपनीज -कभी के पास पैसे नहीं होते ऐड करवाने के लिए तो किसी को ढूंढती है कि वो इंसान जो है मेरा लाइक एड कर दे मेरे बिहाफ पे जो भी प्रॉफिट आएगा थोड़ा उसका थोड़ा मेरा इस टाइप से स्पॉन्सर ढूंढने हैं उससे क्या होगा एडवर्टाइजमेंट वो करवा देंगे फिर जैसे सुल्तान मूवी में भी आपने देखा होगा प्रेशर कुकर एक स्पॉन्सर ढूंढा था सुल्तान वगैरह के लिए उसके बाद मास रीच देखो मास रीच क्या होता है बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना अपना प्रोडक्ट वो किससे हेल्प वो किससे हो पाता है एडवर्टाइजिंग की हेल्प से और उससे उसके बाद क्या होता है कस्टमर को पता चलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है कॉन्फिडेंस मिलती है कि हाँ हमें ये बाय करना चाहिए और एक्सप्रेसिवनेस अब यहाँ पे क्या होता है काफी सारे ग्राफिक्स वीडियोज डिजाइन स्पेशल इफेक्ट लगते हैं जिससे सिंपल से भी सिंपल प्रोडक्ट जो है अट्रैक्ट एक्टिव लगने लग जाता है ऐड में तो उससे बिक्री ज्यादा हो जाती है और इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होती है क्योंकि हर जगह पर प्रोडक्ट की छाप छूट जाती है तो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट पे जो कॉस्ट लगती है उसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठी हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए जिससे क्या होता है थोड़ा सा सस्ता आ जाता है है ना तो उससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है है ना वो काफी अच्छी हो जाती है यानी कि आप नेशनल इनकम में देख रहे हो आपने वैल्यू एडेड आउटपुट मेथड इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा तो उससे क्या होता है जैसे ही आपका सामान जो है वो बिकेगा तो हमारी इकोनॉमी में भी जो नेशनल इनकम की काउंटिंग है उसमें भी ये हेल्प करता है ओके अब कुछ एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है क्या होता है एक तो इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस अब एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है काफी ज्यादा रुपए में एडवर्टाइजमेंट होता है तो उससे क्या होता है जो जैसे दस रुपए की थी तो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो मिली हुई थी है ना तो उससे क्या होता है प्रोडक्ट का प्राइस जो वो बढ़ जाता है ओके कंफ्यूजन टू कस्टमर अब क्या होता है अब वैसे तो है ना कि ये एक ही पेंसिल है अब एक ही पेंसिल के भी अलग अलग कंपनीज भी इसी पेंसिल को बना रहे होंगे अलग अलग ब्रांड के नाम से तो अगर मान लो इस पेंसिल जो मैंने बनाई है इसका भी एड चल रहा हो उन ब्रांड्स की पेंसिल का भी एड चल रहा हो तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारी है ना इस तरीके से और एनकरेजिंग सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स अब क्या होता है जो लो ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऐड करा करा के उनकी सेल्स बढ़ा दी जाती है तो कस्टमर का जो है विश्वास उठ जाता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ बैड टेस्ट क्या होता है जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कभी कभी अजीब से इवेंट दर्शा रहे होते हैं मॉडल दर्शा रहे होते हैं तो इससे क्या होता है ह्यूमन की जो डिग्निटी मान सम्मान है वो कम हो जाता अंडर माइंड सोशल वैल्यूज एंड प्रमोट्स मटेरियलिज्म इसमें क्या होता है इट द कस्टमर टू बाय मोर प्रोडक्ट इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने खरीदने के लिए है ना इससे एक टाइप का सोशल डिसऑर्डर हो जाता है क्योंकि लोग मटेरियलिज्म जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं ओके अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है पर्सनल सेलिंग की पर्सनल सेलिंग की वजह से भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं जैसे डोर टू डोर जाके बायर सेलर का सामने कॉन्टेक्ट हो जाता है मार्केटिंग में फेस टू फेस उसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं पर्सनल कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं फेस टू फेस एकदम ओरल कन्वर्जेशन होते हैं सॉल्व तो है फट कर दूंगी उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी कि इसके अंदर ये फीचर है ये फीचर है और एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है कस्टमर के साथ सेल करते वक्त अब एक गुड सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज होती है वो देखो एक तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए उसने अच्छे कपड़े पहने हो पोस्चर सही हो चेयरफुल स्माइल हो उसके फेस पे साइकोलॉजिकल क्वालिटी उसका अच्छा नेचर होना चाहिए एम्पैथी के साथ ईगो ड्राइव थोड़ी होनी चाहिए और टेक्निकल क्वालिटी मतलब उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए गुड इसमें मेरे कोई एक याद आया जब मैं एक बार छोटी थी तब नानी के गई हुई थी तो वहाँ पे पर्सनल सेलिंग हो रही थी नानी के घर पे कुछ आए हुए थे लोग एक एक मेल था और एक फीमेल थी तो वो जो है अपना डिटर्जेंट जो है वो बेच रहे थे उसके बारे में बता रहे थे क्वालिटीज बता रहे थे और थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी करके दिखा रहे थे लोगों को इन ऑर्डर टू तो, तो ऐसे से पहले आते थे, थे घरों में भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो पोलाइट हो टैक्टफुल हो गुड मैनर्स हो ऑनेस्टी हो कोर्टसी हो, हो परसिस्टेंट हो परसिस्टेंट क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए क्या होता है आपके एक आर्ग्यूमेंट से भी सेल क्लोज हो सकती है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए ट्राई करते रहना चाहिए बेचने का और आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी uh, होनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो गेन कर लो इस तरीके से अगली जो चीज है हमारी लाइक uh, प्रमोशन like, की वो है सेल्स प्रमोशन इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा लालच दे दो लोगों को मतलब लालच नहीं इन द सेंस आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टेड करवाओ कैसे कुछ फ्री देके कुछ इंटरेस्ट करके कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी कुछ इंसेंटिव देके इससे क्या होगा लोगों की अटेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट को लेके आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो जैसे मान लो विम बार है आपने लॉन्च किया ठीक है उसके बाद आपने एक विम की बॉटल में आपने लॉन्च कर दी तो आपने लिख दिया कि जब आप विम की बॉटल को लॉन्च कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपने कह दिया कि इसके साथ में एक म बार आपको फ्री दूंगा या दूंगी इस तरीके से आप ऐड करा रहे हो तो आपके नए प्रोडक्ट का जो छाप है वो तो प्रोडक्ट के माइंड में आई क्या साथ के साथ वो उसको बाय करे क्योंकि उसके साथ एक विम बार भी फ्री है इस तरीके से साइनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स इसमें क्या होते हैं ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस होती है प्रोमोशनल एक्टिविटीज की उससे हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाती हैं अब सेल्स प्रमोशन की कुछ लिमिटेशन भी होते हैं अगर हम इसे जल्दी जल्दी करवाएंगे तो एक तो क्या होता है रिफ्लेक्टिव क्राइसिस अब सेल्स प्रमोशन की क्या क्या लिमिटेशन uh, होती है सेल्स प्रमोशन क्या था कि हम कुछ फ्री में दे रहे हैं या फिर कुछ सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो इससे क्या होगा यहाँ पर लोगों के मन में थोड़ा सा uh, वो एक फीलिंग आएगी कि शायद ये अच्छा प्रोडक्ट ना हो गुड क्वालिटी का ना हो जिसकी वजह से इसका प्राइस जो वो भी कम है और इसके साथ फ्री भी दे रहे हैं है, है ना इस तरीके से अच्छा और ये भी करा सकते हैं कि अच्छा ये फ्री दे रहे हैं जरूर कंपनी वाले जरूर से भी जरूर इनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा और इसलिए ये फ्री दे रहे हैं ताकि इनका प्रोडक्ट बिके तो इस तरीके से या फिर ये प्रोडक्ट थोड़ा हल्का होगा इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे ऐड करा रहे हैं फ्री दे रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन की वजह से जो ज्यादा सेल्स प्रमोशन करा रहे हैं उनके जो छाप है माइंड में वो वो कस्टम उनके बिहाफ पे कस्टमर के माइंड में जो छाप होती है प्रोडक्ट की वो थोड़ी रिवइन हो जाती है अगली देखो टेक्निक्स में क्या आता है इसमें आप प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे सकते हो कि एक के साथ एक फ्री आ जाएगा और एक ड्रॉज ड्रॉज लाइक आ जाते हैं टी वी टी शर्ट रेफ्रिजरेटर खरीदोगे तो एक प्राइज मिलेगा क्वांटिटी गिफ्ट कि तीन लक्ष्य के सोप खरीदोगे तो एक आपको फ्री में मिल जाएगा और उसके बाद आप रिफंड करा सकते हो कि इसके ऊपर दो रुपए की छूट है और सैंपलिंग देखो सैंपलिंग में क्या होता है कि आप फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को खरीदने से पहले पब्लिक रिलेशंस जो है वो हमारा लास्ट है इसमें पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब होता है कि हम जो है पब्लिक से डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए ताकि हमारे प्रोडक्ट की छाप जो है कस्टमर के माइंड में आए और वो फिर हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो यूज करें इसमें डायरेक्ट लिंकेज होता है मीडिया वगैरह का ठीक है तो इसमें एक तो प्रेस रिलीज होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यूज आप देखते हो टेलीविजन में उनके लैपटॉप्स पे भी

छप पाती है जिसके अंदर उनके ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड एथिक्स विजन मिशन पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के जो लाइक uh, मिशन like, होते हैं वो उसके अंदर लिखे होते हैं ब्राउचर्स के अंदर ठीक है और यहाँ पर प्रेस किट्स में देखो ये एक इंफॉर्मेशन का पैकेज होता है एक इंफॉर्मेशन जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हो है वो आउटलाइन होते हैं इसके अंदर कंपनी की uh, बेब्लोग्राफी होती है है ना और इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन है कस्टमर से कैसे रिव्यूज़ आए उनके न्यूज़पेपर में मैगजीन में आर्टिकल्स प्रोडक्ट के फोटोज ये सब होते हैं न्यूज़ लेटर में भी आप देखोगे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट लेटर लाइक होता है ये थोड़ा लेस फॉर्मल तरीके में होता है जैसे कॉलेज ने एक न्यूज़ लेटर पब्लिश करवाया कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते कौन कौन से अचीवमेंट है ये हमारे स्टूडेंट हैं ये हमारे टीचर्स हैं इस तरीके से इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट जैसे आप कोई इवेंट देखते हो टेलीविजन पे ही देखते हो तो आपने देखा होगा ना कि इस इवेंट को इसने स्पॉन्सर किया है तो वो स्पॉन्सर्स और इवेंट में कौन स्पॉन्सर है किसके बारे किस प्रोडक्ट ने उसमें अहम हाथ डाला है तो वो एक टाइप का पब्लिक रिलेशन होगा कि उस इवेंट को जितने भी लोग देखेंगे तो उनका ध्यान इसके ऊपर भी पड़ेगा जैसे आप देखो मैच हो रहा है दिल्ली में क्रिके, क्रिकेट क्रिकेट मैच ही हो रहा है तो हर जगह आपको एड ही एड दिखेंगे कभी किसी कंपनी का कभी किसी कंपनी का तो इवेंट को जो लोग देख रहे हैं उस इवेंट को देखने के साथ साथ तो उन प्रोडक्ट के ऊपर भी या फिर कंपनी के नाम के ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे ऑडिटोरियम्स में जिससे लोगों को पता चलता है अलग अलग पैकेजेस के बारे में या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में सर्विसेज के बारे में और वेबसाइट्स पर जैसे आप नेविगेट करते हो तो उस पर भी आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट होती है पी आर की उसका क्या काम होता है कि बिजनेस जो है अच्छे से फंक्शन करे स्मूथ फंक्शनिंग हो और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो है ना और बिल्डिंग कॉपरेट इमेज दैट अफेक्ट्स फेवरेबली ऑन इट्स प्रोडक्ट अब क्या होता है कॉपरेट uh, इमेज को बना के रखना अपने बिजनेस की इमेज को बना के रखना और अपने बिजनेस को इसी तरीके से थीम करना या फिर बिल्डिंग को ऑफिस को इसी तरीके से थीमेटिक प्रेजेंटेशन करना कि पता चल जाए कि आपका बिजनेस किस हिसाब का है या फिर किस चीज़ का है जैसे बिस्किट का है तो कुछ बिजनेस बिस्किट uh, की थीम का बनवा लो अपना ऑफिस ताकि लोगों को दूर से ही पता चल जाए और आपका जो है नाम चल जाए तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है फाइनली खत्म होता है एंड आई होप आपको समझा जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी डाउट है तो एल रिप्लाई सुन एज सुन पॉसिबल और अगर आपको ये नोट चाहिए सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ठीक है सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल